क्या आप भी अपने स्विगी ऐप के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने स्विगी ऐप के अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि स्विगी एप्लीकेशन के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको स्विगी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप इसे ओपन करेंगे और जैसे देखिए आप ओपन करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद देखिए यहां पर कॉर्नर पर आपको प्रोफाइल लोगो पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है हेल्प का, आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर देखिए क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाएगा और यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहां पर लिखा होगा FAQS, आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए आना है, नीचे चले आएंगे। यहां पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डीएक्टिवेट माई अकाउंट, आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप देखिए नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर लिखा होगा डीएक्टिवेट माई अकाउंट। यहां पर देखिए लिखा हुआ है support@swiggy.in पर आपको एक मेल करना होगा और आपको क्यों डिलीट करना चाहते हैं, आप कोई रीजन या ये भी लिख के दे सकते हैं कि मेरा अकाउंट डिलीट कर दीजिए तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं आपको कैसे करना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल में जीमेल को ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको मेल करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं मेल में आपको कैसे करना है। नीचे देखिए आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। कंपोज पर क्लिक करने के बाद अभी देखिए जिस भी मेल से आप भेज रहे हैं तो वो आपको मेल ऊपर शो कर जाएगा और यहां पर नीचे टू पे आपको लिखना है, यहां पर क्लिक कर देना है, पेस्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिए मैंने कॉपी कर रखा था पहले से, यहां पर देखिए swiggy@swiggy.in, आप यहां पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। चलिए यहां पर क्लिक करते हैं और अभी देख सकते हैं कि जो मैंने यहां पर जो मेल था बिल्कुल सेम वही लिखा है support@swiggy.in, इसी पे आपको मेल करना है। चलिए मैं आपको बताता हूं इस पर लिख कर क्या भेजना है। इसके बाद यहां पर देखिए मैंने लिख दिया डिलीट माई अकाउंट, इसके नीचे आपको यहां पर क्या लिखना है, यहां देखिए कंपोज ईमेल पर, तो यहां पर हम क्लिक करते हैं और यहां पर आपको लिखकर टाइप करना है। चलिए मैं देखिए यहां पर पेस्ट कर देता हूं। यहां पर आपको लिखना है आई हैव अनदर स्विगी अकाउंट, प्लीज डिलीट माई स्विगी अकाउंट परमानेंटली, क्योंकि मेरे पास पहले से ही अनदर अकाउंट है और मैं इस अकाउंट को परमानेंटली यहां से डिलीट करना चाहता हूं। इतना लिखकर आपको यहां पर जो मेल है यहां से सेंड कर देना है। देखिए ये मेल यहां से सेंड हो जाएगा और जैसे ही आपका मेल यहां से सेंड हो जाएगा, चलिए एक बार मैं आपको यहां पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए हम क्लिक करेंगे, देन यहां पर हम क्लिक करेंगे सेंड पर, हम क्लिक कर देते हैं और सेंड पर क्लिक करने के बाद जो हमारा जो मेल है यहां देखिए स्विगी अकाउंट पर, ये देखिए यहां पर चला गया है। अब यहां पर कुछ देर बाद हमारा जो अकाउंट है वहां से वो परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा जो हमारा स्विगी अकाउंट है। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से मेल भेज सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है डिलीट माई अकाउंट और मैंने जिनको भेजा है वो swiggy.com सपोर्ट पर भेज दिया मैंने @ जो भी मैंने आपको जीमेल दिखाई थी और यहां पर मैंने लिख के भेज दिया है। तो हमारा अकाउंट 24 से 48 घंटे के बाद जो हमारा अकाउंट है वो परमानेंटली वहां से डिलीट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने स्विगी अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।